30 अगस्त 2021 की बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को बतलाता है। आप अपना यूनिवर्सिटी की खबर को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहेगी। तो आज की जो भी बड़ी खबर निकल के आ रही इसे हम जान लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए स्क्रीन पर। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी TMBU से खबर आ रही है और पेट से रिलेटेड खबर है और पार्ट वन को पेमेंट से रिगार्डिंग खबर है। तो जान लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेट परीक्षा जो होने वाली सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी, इसकी जानकारी हमने पहले भी बड़ी खबर के माध्यम से आप सभी को देते आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यदि मैं बात करूँ पेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और सितंबर से PG व BEd के BEd आदि संकाय की परीक्षाएं शुरू होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको अपडेट प्राप्त होते रहेगी। साथ साथ यदि मैं बात करूँ तो COVID-19 यानी कोरोना का भी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, यहाँ पर साफ तौर पर निर्देश दिया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पार्ट वन को नामांकन को लेकर के पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ मुश्किलें आ रही हैं, जो कि पेमेंट आप सभी को फंस रहा या फिर नहीं हो पा रही है, इन सभी दिक्कतों को लेकर के खबर आ रही है। तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, इन्हें कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है, तो आप ईमेल कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसे साझा कीजिए, आपको जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। और यहाँ पे साफ तौर पे भी देख पा रहे हैं TMU पार्ट वन के लिए मेगा सूची यानी 30 अगस्त तक नामांकन होना है, लेकिन नामांकन के लिए शुल्क ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंटों की परेशानियाँ बढ़ चुकी है। अभिभावकों का कहना है कि रविवार को ऑनलाइन पेमेंट के लेकर के ट्राई करने के बाद भी जमा नहीं हो सका है और मामले को लेकर के विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन पर फ़ोन करने पर कोई नहीं उठाया। तो आप ईमेल कर दीजिए, आपकी समस्या को जल्द से जल्द सुलभ की जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है और प्रथम सत्र के स्नातक का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा जल्द ही और इसके बारे में कुछ डिटेल्स निकल के आ रही है। सत्र 2021-18 से 21 वाले अंतिम वर्ष का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को घोषित कर दिया गया है। वहीं सत्र 2020-21 वाले स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भी मांग उठाई जा रही है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने इसके बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति को ईमेल के माध्यम से आवेदन दिया है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स है, इन सभी डिटेल्स को रीड कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईटीआई के एडमिट कार्ड को लेकर के 31 तक त्रुटि को सुधार करने के लिए मौका दिया जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में एडमिशन को लेकर के बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने यानी BCSEB ने एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है और 31 अगस्त तक डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार करने के लिए 31 अगस्त तक आप अपना इसे सुधार करने का मौका दिया जाएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंटों को जानना चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप खबर देख पा रहे हैं JEE Mains को लेकर के खबर आ रही है और आप देख पा रहे होंगे चौथे चरण का रिजल्ट 10 को आने वाली है, तो आप हमारे साथ अब रहिएगा तो आपको अपडेट प्राप्त होते रहेगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं JP University यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है, स्नातक सत्र 2021-24 के लिए कल जारी होगा मेगा सूची, हमारे साथ बने रहिए, आपको अपडेट दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। महाविद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू होगा नामांकन, जो कि आप देख पा रहे होंगे 21-24 वाले स्टूडेंटों के लिए खबर है और यहाँ पे जो भी डिटेल्स निकल के आ रही है आप इन सभी डिटेल्स को रीड कर सकते हैं टेलीग्राम से पेपर को डाउनलोड करके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं, जैसा कि आप खबर देख पा रहे होंगे 12 सितंबर तक मौका दिया जाएगा, एक अभ्यर्थी कुल 12 कॉलेज कर सकते हैं चयन और BEd में नामांकन को लेकर के आज से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व कॉलेज का चयन, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। काउंसलिंग को लेकर के भी पूरी खबर यहाँ पे बतलाई गई, जैसा कि मैं जूम यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके इन सभी, और दस्तावेज को सत्यापन करने के भी बारे में यहाँ पर साफ तौर पर बतलाया गया, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम से पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बारे में भी यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे बतला दिया गया है, तो यहाँ पे जाकर के आप ही यहाँ पे डिटेल्स इन सभी को देख सकते हैं और ये भी देख पा रहे हैं स्वीकृति के बाद 3000 रुपये ऑनलाइन रिफंड से शुल्क
ऑनलाइन जमा करेंगे। तो यहाँ पे जो डिटेल्स निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि देख पा रहे हैं ITI में एडमिट कार्ड आ रही है, और इसे यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो 31 तक सुधार सकेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं IIIT में 1 से शुरू होगी कक्षाएं, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं खबर आ रही है। और यहाँ पे एमटेक में 20 हुआ, पीएचडी में 19 छात्रों ने दाखिला लिया है। तो यहाँ पे जो खबर आ रही है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, और जैसा कि देख पा रहे हैं JP यूनिवर्सिटी से यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है कल से होगी ग्रुप सी व डी की परीक्षाएं। और यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे हैं 17 से 19 के लिए ये जो परीक्षा है वो कदा मुक्त यानी शांतिपूर्वक माहौल में लिया जाने वाला है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स निकल कर रही बहुत महत्वपूर्ण है डिटेल्स है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरी पाली ग्रुप बी के अंतर्गत हिंदी, बॉटनी, उर्दू, इन सभी सब्जेक्टों को आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं दस केंद्रों पर 11 से होगी स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षाएं, जो कि स्नातक पार्ट थर्ड 17 से 20 को लेकर के फाइनल ईयर के लिए परीक्षा में छपरा यानी सिवान व गोपालगंज यानी 10 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षाएँ, वही 11 सितम्बर को परीक्षाएँ होगी। और यहाँ पर जो डिटेल्स निकल के आई इससे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर विस्तार से जानना चाहते हैं तो पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं नामांकन को लेकर के जो खबर आ रही है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से नामांकन समिति ने जारी किया निर्णय। और यहाँ पे जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण खबर है, देख पा रहे होंगे 3 सितंबर तक स्वीकृत लिस्ट पर कर सकेंगे जमा। यहाँ पे वही PG को लेकर के 20 से 22 वाले सत्र यानी प्रोविजनल एडमिटेड अभ्यर्थियों को दस्तावेज व वेरिफिकेशन का अप्रूवल लिस्ट 3 सितंबर तक सभी PG हेड्स DSCW कार्यालय को जाकर के उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो जानकारियां आ रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ TMBU से जो खबर आ रही है देख पा रहे हैं नामांकित छात्रों ने स्वीकृत सूचना 30 तक कॉलेजों को करेगा अपलोड, और वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले को फोन कर दिया जाएगा सूचना। और यहीं पे ये जो खबर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे 26 अगस्त तक नामांकन समिति की बैठक में लिया जाएगा निर्णय, और समिति द्वारा शनिवार को जारी किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी देख पाएंगे निर्णय के बाद स्नातक सत्र 2021-24 यानी प्रथम सत्र के लिए द्वितीय व तृतीय के आधार पर ऑनलाइन जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को एडमिशन होगी, प्रोविजनल नामांकन लिया जाएगा। और इसके बाद ही अभ्यर्थी शुल्क रसीद जमा करके वांछित दस्तावेज को सत्यापन भी कॉलेज में जाकर के कर सकेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं स्नातक पार्ट 1 की प्रायोगिक परीक्षा 7 से होगी, जो कि तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से आ रही है खबर। और स्नातक पार्ट 1 यानी प्रैक्टिकल की परीक्षा यानी 2020 की प्रतिष्ठा यानी डिग्री वाले के लिए एक खबर है। तो इन सभी डिटेल्स को आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो खबर निकल कर रही है 1 से 12 सितंबर तक उत्तीर्ण छात्र ऑनलाइन करेंगे पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन, कॉलेज में तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम सूची के तौर पर 29 सितंबर तक ले सकेंगे नामांकन, 3 जिलों में एकमात्र सहरसा में है सरकारी BED कॉलेज। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो खबर आप देख पा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 13 कॉलेजों में 1350 सीटों पर BED में नामांकन होने जा रही है, और 13 अगस्त से हुई थी BED की परीक्षाएं। तो यहां पे जो डिटेल्स निकल कर बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, इन सभी डिटेल्स को आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, मैं जूम कर देता हूं यहां पे साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं सिंडिकेट में उठेगा महाराजा विधि कॉलेज का मामला। तो यहाँ पे जो खबर निकल कर 2 वर्षों से बंद है महाराजा विधि महाविद्यालय, और यहाँ पे फिर से पठन पाठन शुरू करने को लेकर के खबर आ रही है। तो जो डिटेल्स निकल कर रही बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, इन सभी डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान पा रहे होंगे कि डिग्री कॉलेज के शिक्षक और कर्मियों को करेंगे अनशन 31 को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, आप सभी स्टूडेंटों को जानना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो भी खबर निकल कर आती है स्टूडेंटों के लिए जानना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है यानी LNMU से, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी PG सत्र 2018-20 वाले सत्र को लेकर विभिन्न विषयों के टॉपरों को सूची तैयार कर रहा है, और PG टॉपरों में छात्राओं का जलवा बहुत अधिक देखा जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे सत्र 2018-20 वाले स्टूडेंटों के लिए परीक्षा 2020 के विभिन्न विषयों के टॉपरों की सूची तैयार कर ली गई है।
तो यहाँ पे जो डिटेल्स निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण से डिटेल्स है। साथ ही साथ मैं यदि बात करूँ टॉपरों के आधार पर दर्जन से अधिक छात्र छात्राएँ पीजी शिक्षण कॉलेजों में हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को लिए अपनी पहचान बनाई गई है। तो ये दीक्षांत समारोह आयोजित होने पर गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, तो ये भी बहुत ही अच्छी खबर है स्टूडेंटों के लिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम इसी में जानते हैं 19 टॉपरों की सूची तैयार की गई है, जो कि 18 से 20 वाले सत्र के लिए, वही टॉपर पीजी सत्र 2018 से 20 के लिए छात्राएँ हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स निकल कर ही बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स है। यदि विश्वविद्यालय विभाग के टॉपर के यदि मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पे डिटेल्स निकल के आ रही है। आप इसे इन सभी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूँ अगला इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप देख पाएंगे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 सितंबर तक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 3 सितंबर तक दिया गया 20 से 22 के सत्र के लिए, 19 से 21 वाले सत्र के लिए। इन सभी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल के लेकर के खबर आ रही है, जो कि सत्र 2019 से 22 वाले स्टूडेंटों को कि प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको साफ तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी घबरा गए होंगे कि यदि दोबारा क्यों लिया जाएगा, हम तो एग्ज़ाम दे ही चुके हैं। तो वैसे छात्र छात्राएँ जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या फिर किसी कारण से, जैसा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डिटेल्स निकल के आ रही है, यूनिवर्सिटी का मानना है कि 5 जिलों के जो कॉलेज हैं वहाँ के स्टूडेंट बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है, उन सभी स्टूडेंटों को दिखते हुए तो उन सभी को नया डेट दिया जाएगा, वो लोग दोबारा एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो वो भी बहुत ही अच्छी पहल किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। चलते हैं अगला इन्फॉर्मेशन क्या कुछ है जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के उप सचिव का पत्र आते ही ग्रामीण इलाके में कॉलेजों में बढ़ी है संभावना, और एक ही कॉलेज में यूजी और पीजी की पढ़ाई को लेकर कवायद शुरू की जा रही है, और कवायद तेज भी हो चुकी है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जेपी यूनिवर्सिटी से खबर है, और यहाँ पे 3 जिलों में फैला है विश्वविद्यालय का प्रक्षेत्र, और 17 विभागों की पीजी की पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स निकल के आ रही है। चलते हैं अगला इन्फॉर्मेशन, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है, और आप देख पा रहे होंगे 8 से 10 लाख में बेची जा रही है बिहार विश्वविद्यालय के नाम पर आयुर्वेद की फर्जी डिग्री, जो कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ छलावा नहीं करना चाहिए। उन सभी को देख पा रहे होंगे जो खबर निकल के आ रही है, रायपुर में पकड़ी गई है बिहार यूनिवर्सिटी के नाम पर आयुर्वेद की 10 फर्जी डिग्रियां, जो कि अच्छी खबर है, पकड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को झांसा दे करके पैसे ऐंठ रहे हैं लोग। तो यहाँ पे जो डिटेल्स निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स है। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं, तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है बीएड में दाखिला लेने को लेकर के ऑनलाइन काउंसलिंग 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी बीएड में जिनका नाम आया है उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और यदि बात करूँ देख सकते हैं बीसी ईबीसी महिलाओं व दिव्यांग महिलाओं को 750 रुपया, वही एससी एसटी से 500 रुपया शुल्क निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स निकल के आ रही है इसे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, चाहे पेपर कटिंग को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला इन्फॉर्मेशन में आते हैं TMBU यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, जो कि खबर आ रही है आवंटन बाद भी TMBU के 6000 कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर संकट मंडरा रहा है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या कुछ डिटेल्स निकल के आ रही है। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जो कि TMBU से ही खबर है। सितंबर के अंतिम हफ्ते में पैट परीक्षा लेने के लिए तैयारी में जुट गया TMBU यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2021 की तैयारी शुरू कर दिया गया है। और वहीं यदि मैं बात करूं PG सेमेस्टर 4 यानी सत्र 2017-19 की परीक्षाएं 14 सितंबर से होगी। तो यहां पे बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स निकल के आ रही है दोस्तों। नैक मूल्यांकन को लेकर के भी खबर आ रही है, और यहां पे देख पा लेंगे नैक मूल्यांकन के लिए आएगी डमी पीयर टीम। तो ये भी खबर बहुत महत्वपूर्ण है, और वही 14 से 25 सितंबर तक चलेगी PG सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं, जो कि अब आप सभी स्टूडेंटों को जानना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है, और यहां पे खबर निकल के आ रही है शैक्षणिक सत्र 2021-24 को लेकर के नामांकन से खबर है, जो कि
21 अगस्त को दोबारा को पोर्टल को ओपन किया गया था। और यहीं पे साफ तौर पे ये भी देख पा रहे हैं 21 से 24 में नामांकन लेने वाले स्टूडेंटों को 21 अगस्त को दोबारा पोर्टल को ओपन किया गया था, जिसके कारण अंतिम डेट 30 अगस्त निर्धारित की गई थी। 30 अगस्त के बाद देखिए क्या कुछ यूनिवर्सिटी निर्णय लेती है, इस डेट को आगे बढ़ाती है या फिर इसी डेट पर अस्थिर हो जाती है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं 300 रुपया शुल्क देकर कर सकते हैं आवेदन। सत्र 21 से 24 को लेकर के विश्वविद्यालय 21 अगस्त से 30 तक दोबारा पोर्टल को खोला है, जो कि हमने अभी आप सबको बतलाया। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कुछ है हम जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीके इशू से खबर निकल के आ रही है, और यहाँ पे खबर निकल के आ रही है HED व BEd पोस्ट पोर्टल अपडेट करने के बारे में खबर है कि रुचि नहीं दिखलाने पर तबल की जाएगी रिपोर्ट। और यहाँ पे ये भी देख पाएंगे 8 कॉलेज का डाटा अपलोड करने में दिखा रहा है लापरवाही, और VKSU के अंतर्गत 30 कॉलेज जो हैं वो वेबसाइट पर यानी पोर्टल पर BEd पोस्ट पोर्टल को नहीं कर रहे हैं अपडेट, जो कि सभी कॉलेजों को अपडेट कर देना चाहिए। जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है VKSU द्वारा या फिर राजभवन द्वारा, इन सभी को पालन करना चाहिए। राजभवन ने कॉलेजों के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए बनाया है पोर्टल, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही बहुत अधिक हो रही, इन्हीं कारणों से स्टूडेंटों की परेशानियां बढ़ रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बिहार यूनिवर्सिटी से जो खबर आ रही है, आप देख पा रहे हैं BCA में सीट से अधिक लिया नामांकन, रजिस्ट्रेशन रुका तो छात्रों पर डाल रहे हैं दबाव। ये जो खबर आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, और आप साफ तौर पे देख पाऊँगा छात्र प्रतिम कुमार ने कहा कि पिछले साल उन लोगों ने BCA कोर्स 2020-23 के लिए सत्र में एडमिशन लिया था, एक साल पढ़ाई के बाद अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय ने उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया है, जो कि गलत है। यूनिवर्सिटी ने मतलब स्टूडेंटों को भविष्य के साथ खेलने की गलती कर रहा है। तो दोस्तों आज की जो भी बड़ी खबर थी हमने आपके साथ में साझा किया है, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करते हुए भी आप अपना जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज नेम, और आपका जो भी सत्र है वो सत्र मेंशन कर दीजिएगा, और जो भी ऑनर्स पेपर हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के हैं और आपका सत्र क्या है, आप कौन सा ऑनर्स लिए हुए हैं, ताकि वीडियो बनाने में बहुत ही सहूलियत हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।